फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी निमकी की रेसिपी। ये निमकी आप शाम के स्नैक्स पे चाय के साथ रख सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता मुझे बनेगी। इसको आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये निमकी बनाना बहुत ही इजी है। आप मेरा ये रेसिपी एंड तक देखिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा नया नया रेसिपी पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वादिना और आप देख रहे हैं अपनी चैनल लाभ डॉट स्वादिना। चलिए अभी निमकी की रेसिपी शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो आटा और मैदा मिक्स करके ले सकते हैं। लिया है 1/2 चम्मच अजवाइन, ये डाइजेशन के लिए अच्छा है, और 1/4 चम्मच कलौंजी। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। और दे देंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेते हैं मैदे के साथ। अभी इसके ऊपर ऐड करते हैं 2 टेबल चम्मच रिफाइन ऑयल और अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल जितना मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे उतना क्रिस्पी बनेगी। देखिए अभी तेल और मैदा अच्छे से मिक्स्ड हो गया और हाथों में ऐसा डो बना के थोड़ा सा प्रेस करने के बाद टूट रहा है तो समझिए अच्छे से मिक्स्ड हो गया। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लेंगे, जैसा रोटी बनाता है ना ऐसा, बट इसका डो थोड़ा सा सख्त रखना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। एक साथ पानी डालेंगे तो पतला होने के चांसेस रहता है। देखिए अभी मेरा डो रेडी हो गया। इसको अभी 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। बीस मिनट के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। इस डो को मैं अच्छे से मसल लेते हैं। और इसको इक्वली 3 पार्ट में काट कर लेते हैं। उसमें से 1 पार्ट लेके अच्छे से चिकना कर लेते हैं और रोटी जैसा इसको बेल लेंगे। लेकिन ये रोटी जैसा पतला नहीं बेलना है, इसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा रखना है। देखिए रोटी जैसा बेल लिया है, इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, ज्यादा जाड़ा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं। अभी हम कटर से काट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पिज्जा कटर यूज किया है, आप चाहे तो चाकू से भी काट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोर्ड पिज्जा ऐसा शेप दिया है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी एक एक करके निमकी डाल देते हैं। इसी टाइम गैस का फ्लेम मीडियम पे रखें। हाई पे रखेंगे तो निमकी बाहर से हो जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए फ्राई करते टाइम फ्लेम मीडियम रखें और तेल को ऐसा करके हिलाते रहना है, इससे निमकी का सब साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अभी देखिए फ्राई हो गया, इसको अभी तेल से उठा लेते हैं। और सेम प्रोसेस में दूसरा निमकी बैच को भी फ्राई कर लिया है। और देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। मेरा ये निमकी की रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलोए वाली और एक निमकी की रेसिपी कैसे बनाता है। इसका रेसिपी काफ़ी अलग और मज़ेदार है, बहुत ही आसानी तरीके से आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, तो वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक आप आपका ख्याल रखिए।